So hi everyone, welcome to my channel, and for today I will be discussing with you an important paper, that is ideas in Indian political thought. And ये वीडियो जो मैं बिल्कुल लास्ट मिनट बना रही हूँ, तो इसलिए आपको ज्यादा नोट्स तो नहीं दूंगी, बट हाँ एक आपको इतना नॉलेज दे दूंगी कि जिससे जो है आप पेपर को इजीली मतलब अराउंड एंड अराउंड 50 टू 60 मार्क्स तो इजीली ला सकते हैं अपने पेपर में. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई विल बी सेइंग यू कि आपको एक तो ये वीडियो को कम से कम पेपर से दो बार देखना है पहले. एंड सुबह अगर आप 6 बजे उठ जाते हो तो ट्राई करना दो बार इस वीडियो को सुबह सुबह भी सुनकर जाओ, चाहे नींद में क्यों ना हो रही हो पर सुनकर जाओ. एंड कई बच्चों को मैं ये भी बोलूंगी कि एक बार रात को सोने से पहले भी देख लेना और सुबह उठते ही सबसे पहले इस वीडियो को देखना, क्योंकि एक तो सुबह सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है और दूसरा आपको ये जो है अच्छे से रट जाएगा. बिकॉज ये लास्ट मिनट वीडियो दे रही हूँ मैं, तो इतना तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि आपको आराम से 50 नंबर के आराम से आपको आ जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे टेक्स्ट है जो कि आपके कौन कौन सी यूनिट्स है पेपर में. सो यूनिट 1 इज धर्मा एंड धंधा, दैट इज ऑफ कौटिल्य. एंड धर्मा धंधा के बारे में जो है मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया, दैट इज इंडिया आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट. सो उस वीडियो को जाने से पहले ना एक बार पेपर से जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना, या तो अभी देख लो या फिर बाद में देख लेना. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड अगर आपको ना मिले उसका लिंक तो कमेंट्स में मुझे बता देना. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियोस. सो ये है आपकी सारी यूनिट्स, यूनिट्स 1 to 7 तक, एंड हम धीरे धीरे जो है एक एक करके इसी वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिट 1 पे, दैट इज धर्मा एंड धंधा जो कि कौटिल्य का. सो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एक इंट्रोडक्शन. सो जो कौटिल्य जो है ऑल्सो नोन एज चाणक्य, वो एक एंशियंट इंडियन फिलोसफर थी और इकोनॉमिस्ट थी एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थी, जिन्होंने क्या लिखी थी, जिन्होंने लिखी थी ट्रीटीज कॉल्ड एज अर्थशास्त्र. अब इन सब के बारे में अर्थशास्त्र वगैरह के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, बट यस मैं आपको इसमें अर्थशास्त्र के बारे में भी जो दोबारा से बताऊंगी. अब जो अर्थशास्त्र जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल होता है ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, एंड ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ एंशियंट इंडिया. सो नाउ वी हैव इसके इन अर्थशास्त्र, मतलब कि एक अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य जो है इसमें डिस्कस करती है कॉन्सेप्ट, मतलब वो डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा एंड धंधा. तो उसमें वो दो जो है कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज धर्मा एंड धंधा. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशंस जो परसूट है लाइक पुरुष शर्ताज जो है जो कि एथिकल गॉडनेस दैट इज धर्मा, देन यू हैव रिचेस एंड पावर दैट इज अर्था, एंड दैट इज प्लेजर कामा. इन सब के बारे में मैंने आपको आइडियाज इन इंस्टीट्यूशंस वगैरह वाली वीडियो में बता रखा है, तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि उस वीडियो को जरूर देख लेना. उसमें मैंने आपको एक डीप एक्सप्लेनेशन कर रखी है, बिकॉज जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो आई वॉज इन अ फ्री कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, बट बिकॉज ये आपका एग्जाम कल ही है तो इसलिए मुझे ये वीडियो जो है थोड़ी जल्दी में बनानी पड़ी है. सो देन यू हैव इज कि इन द अर्थशास्त्र जो कौटिल्य जो है वो डिस्कस करती है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा एंड धंधा विच वर एसेंशियल टू द फंक्शनिंग ऑफ अ जस्ट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट. और से हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड अगर आपको मेरा बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो यू कैन जस्ट गो ऑन द प्लेबैक स्पीड और वहां से आप 0.5 या फिर 0.75 पे इस वीडियो को देख सकते हो. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो धर्म है उसको रेफर किया जाता है टू द मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि जो है वो गाइड करते हैं द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट. तो मेरे को एक गाइड करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए और एक स्टेट का पर्टिकुलर एक सोसाइटी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए. सो ओरिजिन ऑफ द स्टेट इसमें मैंने आपको बताया, दैट इज ऑल्सो. नेक्स्ट यू हैव इज जो कौटिल्य है वो आर्ग्यू करती है दैट द रूलर जो है उसको एक्ट करना चाहिए इन अकॉर्डिंग्स टू धर्मा, विच मीन्स कि दैट उसको जो है सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए सब कुछ जो है वो जस्ट होना चाहिए, लाइक एक टाइप से जस्ट मतलब होता है कि जस्टिस. सो लाइक उनके लिए जस्टिस होना चाहिए एंड वो रिच और पुअर के लिए दोनों के लिए सेम होना चाहिए. नेक्स्ट यू हैव ऑल्सो हैव इज द फंक्शंस ऑफ स्टेट इंक्लूड. सो एक स्टेट के फंक्शन क्या क्या होते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन, जैसे कि होते हैं कि मतलब गार्डिंग करना, मतलब प्रोटेक्शन करना, गार्ड करना कंट्री को अगेंस्ट द इंटरनल टेरिबल्स एंड द फॉरेन एग्रेशन. देन यू इज मेंटेनिंग कॉमन लॉ एंड देन यू सीज दैट इज अपहोल्डिंग सोशल ऑर्डर. नेक्स्ट यू हैव इज जो प्रिंसिपल है धर्म के वो ऑफन जो सीन किए जाते हैं एज एन एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड प्रिवेंटिंग चाओस एंड एनार्की. देन यू इज धंधा. सो धंधा और अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो ये पनिशमेंट है और द यूज ऑफ अ फोर्स. सो धंधा को जो है जनरली हम कहते हैं, देखो एक है धर्म जो कि हम होते हैं लॉस के वजह से काम करते हैं, उस सब के वजह से काम करते हैं, पर डंडा इट्स टाइप ऑफ डंडा के अंदर जैसे होता है ना पुलिस का डंडा चलता है, तो जो डंडा होता है वो होता है कि दूसरे को मार के काम कराना है. धर्म कि आपको प्यार से काम कराना है, आपको रिक्वेस्ट करके काम कराना है, एंड धंधा इज लाइक मार के या फिर एक एग्रेशन में काम कराना है, फोर्सफुली काम कराना है. सो जो कौटिल्य है वो बिलीव करती है कि जो डंडा है वो भी नेसेसरी है सोसाइटी में ताकि वो ऑर्डर मेंटेन करा जा सके और डिसिप्लिन मेंटेन करा जा सके. सो जो रूलर है शुड यूज डंडा एज अ लास्ट रिजॉर्ट, और उनको लास्ट में यूज करना चाहिए डंडा और फर्स्ट जो है उन्हें धर्मा से ही करना चाहिए, बट अगर धर्मा से कुछ नहीं हो रहा है देन यूज डंडा ऑल्सो.
सो जो रूलर है ओनली यूज डंडा एज अ लास्ट रिजॉर्ट एंड जब जो है और सारे जो ऑप्शन है वो खत्म हो चुके हों. सो जो पनिशमेंट है शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंसिव, मतलब कि ये जो है बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना जिसकी गलती है उसी को ही सजा मिलनी चाहिए. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डंडा जो है किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान पे चला दिया जिसकी कोई गलती भी नहीं थी. एंड कौटिल्य जो है वो ये भी बिलीव करती है कि दैट यूज ऑफ फोर्स जो है वो जस्टिफाइड है इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस, सच है कि अगर आप अपना डिफेंस कर रहे हो अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स या फिर आप अपनी टेरिटोरियल को जो है एक्सपेंशन कर रहे हो तो उस समय डंडा की बहुत ज्यादा नीडेड है. क्योंकि अगर आपको टेरिटरी एक्सपेंड करनी है अपनी, डेट मीन्स कि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको वॉर के लिए जाना पड़ेगा एंड वहां पे धर्म से काम नहीं चल सकता, तो वहां पे आपको डंडे की जरूरत पड़ेगी ही. वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो कौटिल्य जो है वो इसमें एम्फेसाइज करती है मेनली द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म एंड धंधा, कि वो कहती है कि दोनों को चीजों को जो है एक बैलेंस हमें मेंटेन करना चाहिए. बिकॉज बैलेंस अगर नहीं होगा लाइफ में तो ये जो है मतलब एक टाइप का अच्छा या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होगा. देन ये ऑब्वियस जो रूलर है उनको एक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू धर्म, बट अगर मतलब उन्हें ये भी होना चाहिए कि उनको प्रिपेयर रहना चाहिए फॉर द डंडा एज वेल, कि अगर जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना एक पर्टिकुलर काम जो वो नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए वो डंडा यूज कर सकते हैं एंड इफ इट इज इम्पोर्टेंट तो वो जो डंडा है वो यूज कर सकते हैं. सो आपको इसमें कौटिल्य के बारे में सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि जो उन्होंने डिस्कस किया है जुडिशियल सिस्टम एज वेल एज डंडा सिस्टम. रिगार्डिंग डंडा जो है कौटिल्य वो एम्फेसाइज करती है कि डंडा जो है वो राइट पाथ पे लेके जाना चाहिए लोगों को, ना कि कोई गलत पाथ पे. मतलब इसमें ये भी है कि आपको डंडा कौटिल्य सिर्फ तब कहती है, मतलब तब कहते हैं मेरे कि जब आपको जो एक पर्टिकुलर राइट पाथ पे लोगों को जाना हो या फिर जो लोग हैं वो कुछ गलत कर रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो गलत कर रहा हो या फिर आपको टेरिटरी एक्सपैंड करनी हो, ओनली देन यू कैन यूज डंडा. सो विद कंक्लूजन विद हैव इज कि जो कौटिल्य है वो डिस्क्राइब करती है इन डिटेल में ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड वर्क ऑफ द स्टेट एंड द रिलीजन एंड द पनिशमेंट. एंड हियर यू हैव द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. अगर आप एक वीडियो पॉज करोगे ना तो आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर्स में से अराउंड एंड अराउंड 4 क्वेश्चन आंसर्स के तो आप आंसर दे पाओगे. एंड कई बच्चे बोलते हैं कि आपको कैसे पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, तो देखो मुझे ऐसे तो कुछ नहीं पता कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर पेपर में आएंगे आएंगे, बट अभी मैंने आपका कल एक पेपर था डेट इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का, तो उसमें मैंने देखा कि मेरे क्वेश्चन मतलब मैंने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई थी उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो सिमिलर आए हैं या टाइप ऑफ सिमिलर आए हैं. मतलब कि अगर आप जो मेरे प्रोवाइडेड आंसर्स भी लिख दोगे तो भी आपके जो अच्छे नंबर आ जाएंगे. एंड डेट इज वाई आई एम सेइंग कि अगर आप पूरी वीडियो एक बार अच्छे से देख लोगे 2 या 3 बार भी तो आप आराम से 50 नंबर तो है वो स्कोर कर ही लोगे. एंड 50 मार्क्स जो एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने आज ही बुक ओपन करी होगी और कल उनका पेपर है. सो दैट मीन्स कि आपको जो है तो अगर लास्ट मोमेंट पढ़ाई कर रहे हो तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा. नाउ वी हैव इज द टेक्स्टिंग हियर वी हैव इज 1 सेकंड गिव मी अ सेकंड. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज जेंडर जो कि ताराबाई शिंदे का. सो ताराबाई शिंदे इज अगर आपको ना पता हो इनके बारे में तो इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. बिकॉज ताराबाई शिंदे का एक पूरा नोट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप उनका चैप्टर पढ़ रहे हो तो मतलब उनका टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो पर्टिकुलर. सो डैट इज ताराबाई शिंदे जो है एक फेमिनिस्ट राइटर थी एंड एक सोशल एक्टिविस्ट थी फ्रॉम मुंबई इंडिया. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो वो एक नॉर्मल महाराष्ट्र में रहती थी एंड शी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड फेमिनिस्ट राइटर जो कि रहती थी हु लिव्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. वो जो अपने वर्क्स के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स राइट्स, मतलब कि वो वुमेन्स राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करती थी ऑल्सो एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट. सो जो शिंदे थी वो बॉर्न हुई थी इन 1850 में इन द टाउन ऑफ पुणे एंड इन द इंडियन स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में पैदा हुई थी तो दैट वॉज महाराष्ट्र. एंड वो फिर अपनी फैमिली से शी केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रिफॉर्मर्स, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग जो थे वो रिफॉर्मर्स थे हु वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ द टाइम. सो वो सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जो बहुत ज्यादा शामिल थे उनके फैमिली मेंबर्स. ऑल्सो तो बच्चे बोलेंगे कि हिंदी वाले बच्चों के लिए तो हिंदी वाले बच्चे भी इस वीडियो को समझ सकते हैं बिकॉज लैंग्वेज बहुत ज्यादा ईजी है. नेक्स्ट है इसके शिंदे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज स्त्री पुरुष तुलना. सो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है स्त्री पुरुष तुलना. एंड इसकी मैं स्पेलिंग बता देती हूँ बिकॉज ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है. दैट इज STRI दैट इज स्त्री, पुरुष दैट इज PURUSH पुरुष and then here is tulna that is TULANA. so स्त्री पुरुष तुलना और एक comparison करती है between the woman and men जो कि publish हुई थी 1882 में. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि उनका जन्म कब हुआ था 1850 में, उन्होंने वाली स्त्री पुरुष तुलना जो है वो कब पब्लिश करी थी 1882 में, that is around 32 years की जब वो थी. तो उनके thoughts जो है वो बहुत ज्यादा उस समय तक ही चेंज हो चुके थे. जो बुक है वो लिखी गई है in response to the essay called A Defense of Women. और अगर आपने डिफेंस ऑफ वुमेन का टेक्स्ट नहीं पढ़ा है
अभी तो नहीं पढ़ सकते आप, बट हाँ पेपर के आने के बाद अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टेक्स्ट है ये आपकी पढ़ाई के, मतलब आपके नॉर्मल स्टडी के लिए। सो अ डिफेंस ऑफ वुमेन, जो कि एक मेल राइटर ने लिखा था, डेट वॉज महादेव गोविंद रानदे। सो ये इनका नाम था और वो एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे ऑफ दैट टाइम। सो जो रानदे थे, डेट वॉज महादेव गोविंद रानदे, जो एक इसके राइटर थे, उन्होंने ऐसे में आर्ग्यू किया था दैट वुमेन जो है वो इंफीरियर टू द मेन इन मेनी वेज, बट दे कुड बी अपलिफ्टेड थ्रू एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। तो उन्होंने कहा था कि सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन से जो वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जा सकता है। और जो शिंदे की बुक है वो डायरेक्ट चैलेंज करती है रानदे के आइडियाज को, एंड वो आर्ग्यू करती है कि जो वुमेन्स है वो इंफीरियर नहीं है टू द मेन, बट इंस्टेड जो है वो ऑप्रेस की जाती है एंड एक्सप्लॉइट की जाती है बाय द मेन बाय अ पैट्रियार्कल सोसाइटी इन विच दे लिव। तो उनको मतलब कि एक्सप्लॉइट वगैरह किया जाता है इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें वो जनरली रहती हैं। तो वो मतलब आपको इन दोनों के थॉट्स तो आपको पता चले गए होंगे। तब दोनों के नेम याद रख लेना, डेट इज फर्स्ट इज शिंदे जो कि आपको पता ही नॉर्मल जो कि चैप्टर पूरा बेस्ड है, और दूसरा आपका जो मेन नाम है डेट इज महादेव या महादेव गोविंद रानदे। सो महादेव गोविंद रानदे के बारे में याद रखना, और उनकी बुक डेट वॉज अ डिफेंस ऑफ वुमेन। सो उन्होंने आर्ग्यू किया, मतलब जो शिंदे हैं उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज किया था इस बुरी बुक को, और उन्होंने ये कहा था कि जो वुमेन्स है वो ऑप्रेस की जाती है और एक्सप्लॉइटेड होती है इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी। शिंदे की जो बुक है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क थी फेमिनिस्ट लिटरेचर में। सो उस समय आप ये भी समझ सकते हो कि वुमेन्स के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक रीडर्स के लिए भी इजी नहीं था उस समय की उस बुक को समझना, बिकॉज जब अगर शुरू के वर्क्स होते तो इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आएगा कोई पर्टिकुलर जेनर, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा, और जो कि बिल्कुल ही अलग जेनर से बिल्कुल ही अलग राइटर ने लिखा हो, और फिर फीमेल राइटर को तो इतनी ज्यादा उस समय इंपॉर्टेंस भी नहीं थी, बिकॉज ये टाइम था 1882 का। हम कहते हैं कि 19th सेंचुरी में थोड़ी वुमेन्स को एक हक राइट्स रूल्स मिलने शुरू हुए, बट 18th सेंचुरी में इतना ज्यादा वुमेन्स को राइटिंग का भी इतना ज्यादा वो नहीं था, हक नहीं था। सो उन्होंने तो बुक पब्लिश कराई, तो ये बहुत बड़ी बात थी। सो शिंदे की बुक जो थी वो वन ऑफ द फेमिनिस्ट लिटरेचर में अर्लियर बुक थी, एंड वो प्रोफाउंड थी इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स राइट्स मूवमेंट ऑफ टाइम। सो इन स्त्री पुरुष तुलना, सो शिंदे जो है वो क्रिटिसाइज करती है पेट्रियार्कल सिस्टम को, जेंडर रिलेशंस को, एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। और वो आर्ग्यू करती है कि जो वुमेन्स है वो वीक नहीं है बल्कि वो इंफीरियर है, एंड इंस्टेड वो कैपेबल है इन अचीविंग ग्रेट थिंग्स, मतलब कि वो बहुत सारी जो है ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकती हैं, बट वो अचीव नहीं कर पाती ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजंस। एंड वो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, और वो रिलीगेट करते हैं विच रिलीगेटेड देम टू द डोमेस्टिक स्फीयर, कि वो बताती है कि जो वो उनकी लाइफ है वो मोस्टली डोमेस्टिक स्फीयर में बंद कर रह जाती है, और वो उनके पास एक्सेस नहीं होता है एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज का, जो कि महादेव उन्होंने कहा कि अगर वो पढ़ लेंगी या फिर वो अपॉर्चुनिटीज अगर मिलेंगी तो वो इजीली कर लेंगी, बट यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं थी, और उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। सो शिंदे का जो वर्क है वो एक बहुत ही अहेड ऑफ टाइम था, मतलब हम ये नहीं कह सकते 1882 में किसी वुमेन ने ऐसा वर्क पब्लिश किया था जो कि अगेंस्ट द मेन और पेट्रियार्कल सोसाइटी का, तो वो बहुत ज्यादा टाइम से बहुत ज्यादा पहले उन्होंने पब्लिश कर दिया था, और वो वाइडली रिकॉग्नाइज होता है राइट नाउ, बट उस समय जो है इतना ज्यादा वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था उनका वर्क। ऑल्सो हाउएवर हर आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ले करते हैं, एंड लेटर जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो है इंडिया में शुरू होती है, एंड हर लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर द वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट्स एंड स्कॉलर्स टू दिस डे। और उनके जो अभी तक ये सारे ट्रूथ्स हैं या फिर उन्होंने जो जो बातें बोली थी अपने टेक्स्ट में पर्टिकुलरली, सो वो सारी क्या अभी भी हम उसको इजिली रिलेट कर सकते हैं। एंड विद दिस वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट टेक्स्ट, डेट इज यूनिट 3। यस, सो वी आर नाउ ऑन यूनिट 3। पहले मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 समझ आई या फिर नहीं आई। अगर आप चाहते हो इसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियोस और हैं तो अभी तो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी अगर आपको कल ही एग्जाम है, बट अगर कई बच्चे ऐसे जिनका एक दो दिन बाद एग्जाम है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ताकि मैं आपको उन बच्चों को जो वो इजिली प्रोवाइड कर दूंगी। सो डेट इज वाई आई एम सेइंग कि अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर बच्चों को किसी को वो वीडियोस आफ्टर दिस एग्जाम या फिर आप एक दो दिन बाद, तो वो बच्चे मुझे बता सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू एक अनदर एक्सप्लेन वीडियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू विद द नेक्स्ट यूनिट, डेट इज यूनिट 3, स्वामी विवेकानंद, जो कि कल्चर एंड नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर भी मैंने वीडियोज बना रखी है, एंड दैट वॉज अराउंड 19 या 18 वीडियोज है, तो वो तो छोटी छोटी है पर 10-20 मिनट की, बट यस वो वीडियोज मैंने बना रखी है। अगर किसी को भी नेशनलिज्म वाली वीडियोज चाहिए तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, बट अगर ना प्रोवाइड करूँ तो आप लाइक कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्स्ट, डेट इज स्वामी विवेकानंद, कल्चर एंड नेशनलिज्म। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। सो एक तो आपको यही पता होना चाहिए इनके बारे में, सो ही वॉज अ प्रोमिनेंट, मतलब ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसोफर, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे और वो रिफॉर्मर थे जो कि प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन स्ट्रगल
for independence and cultural renaissance during the late 19th and early 20th century. उनकी जो टीचिंग्स है वो एम्फेसाइज करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी इन शेपिंग द कंट्रीज नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रमोटिंग यूनिटी अमंग इट्स पीपल। सो अब सबसे पहले अगर हम देखें सो जो स्वामी सर्वानंद के बारे में हमने ये सब कुछ तो पढ़ा एंड आपको ये सब कुछ याद भी रखना है कि स्वामी सर्वानंद क्या क्या थे। लाइक उनकी जो टीचिंग थी वो एम्फेसाइज करती थी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। वो एक प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसफर थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे एंड वो एक रिफॉर्मर भी थे। उनके लेक्चर्स जैसे कि उनके लेक्चर्स और राइटिंग्स में जो है स्वामी विवेकानंद की सो वो जनरली क्या किसके बारे में बोलते थे, नीड फॉर इंडिया टू रीडिस्कवर इट्स कल्चरल हेरिटेज। तो वो कहते थे कि मतलब इंडिया को जो अपना फिर से कल्चरल हेरिटेज जो है वो डिस्कवर करना चाहिए, रीडिस्कवर करना चाहिए एंड रिवाइव करना चाहिए अपना स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। सो नाउ वी हैव इज कि वो ये भी बिलीव करते थे कि जो इंडिया के एंशियंट स्क्रिप्चर्स है सच एज वेदास, उपनिषद और भागवत गीता वो कुछ टाइमलेस विजडम है। मतलब कि हम उसे कहते हैं कि वो ऑल एजेस के लोग पढ़ सकते हैं एंड किसी भी टाइमिंग में पढ़ सकते हैं। लाइक वो 500 साल पहले भी पढ़ सकते थे एंड 500 साल बाद भी अब पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है वो एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग इंडियाज फ्यूचर। तो वे भी बताते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मतलब एक एजुकेशन की ताकि हम इंडिया के फ्यूचर को जो है और ज्यादा अच्छा बना सकें। नेक्स्ट जो है कि वो ये भी बिलीव करती है कि जो एजुकेशन है वो हॉलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब कि वो एक ओवरऑल एजुकेशन होनी चाहिए एंड वो ये भी नहीं है कि वो सिर्फ एकेडमिक पे फोकस करे, तो वो एक ओवरऑल एजुकेशन होनी चाहिए एंड बट ऑल्सो ऑन द करेक्टर्स डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो मतलब एक तरह आपकी पढ़ाई जो कि आपके नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स वगैरह थे उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, देन यू हैव ऑल्सो स्पिरिचुअल जो कि स्पिरिचुअल जो पढ़ाई भी होनी चाहिए और रिलीजियस, तो आप थोड़े रिलीजियस भी होना चाहिए, कल्चरल वगैरह भी होने चाहिए। सो वो कहते हैं कि ओवरऑल आपका जो है एकेडमिक्स भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए और करेक्टरिटी लाइक एक पर्सन भी जो है आप एक जैसे कहते हैं जेंटलमैन वैसे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि वो इंकरेज करते थे लोगों की वर्च्यूज को सच एज सेल्फलेसनेस की, वो कहते थे कि मतलब लोगों को जो सेल्फलेसनेस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए लोगों में, करेज होना चाहिए और वो बिलीव करते थे कि ये सारी चीजें एसेंशियल है फॉर अ स्ट्रांग एंड यूनिफाइड नेशन, कि ताकि हम अपना जो नेशन है वो स्ट्रांग बना सके और यूनिफाइड बना सके। नेक्स्ट यू हैव इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्वामी विवेकानंद टीचिंग का था, दैट वाज एम्फेसिस ऑन नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म के बारे में आपको जानना जरूरी है। सो वो बिलीव करते थे कि जो इंडिया का डाइवर्स कम्युनिटीज हैं कुड कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल ऑफ नेशनल यूनिटी। तो वो ये बिलीव करते थे कि जो इंडिया का डाइवर्स कम्युनिटीज है उनको एक साथ आना चाहिए और उनको एक साथ जो है वर्क करना चाहिए ऑन अ कॉमन गोल, मतलब एक सिंगल गोल पे। ऐसा नहीं है कि सब लोग अलग अलग अपना वर्क कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक कॉमन वर्क होना चाहिए उनका ताकि वो जो है एक यूनाइटेड फील करेंगे एंड वो शेयर करेंगे कल्चरल आइडेंटिटी। और वो ये भी बिलीव करते थे कि जो इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज है ये की है फॉर द नेशनल यूनिटी, मतलब तभी मतलब जो वो ये हेरिटेज है वही एक मेन की है या फिर एक नेशनल यूनिटी जो मेंटेन करती है। रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन रीजनल डिफरेंसेस शुड टेक प्राइड इन देयर शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। सो नाउ वी हैव द लास्ट थिंग दैट इज अबाउट स्वामी विवेकानंद, दैट इज को एक मैसेज देते हैं। सो ये आपके पूरे टेक्स्ट में जो है मैं आपको समराइज कर रही हूँ कि विवेकानंद ने क्या बताया क्या नहीं बताया, क्या उनके लिए था क्या उनके लिए नहीं था, इसलिए आई एम सेइंग कि कम से कम हर वीडियो को जो है दो बार तो कम से कम देखना ही। सो नाउ वी हैव इसके स्वामी का विवेकानंद जो है उनका मैसेज क्या है। सो स्वामी विवेकानंद का जो मैसेज है वॉज ऑफ कल्चरल रिवाइवल, कि वो चाहते हैं कि कल्चरल का जो रिवाइवल हो एंड नेशनल यूनिटी हो एंड हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो उस समय क्योंकि चाहते थे कि इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो और उनका कॉन्सेप्ट था मेरे लिए फ्रीडम का। सो यू कैन रीड दिस ऑल्सो एंड उनके मैसेज वगैरह भी थे बहुत सारे लाइक पावर एंड डिपेंडेंस के एंड पॉलिटिकल व्यूज थे उनके, फेथ थी उनकी लाइक इन द एबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ अ पर्सन और उनका एक बिलीफ था इन द स्पिरिचुअल इक्वालिटी और उनका एक कॉन्सेप्ट था नेचुरल राइट्स का। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप पेपर के लिए थोड़ा बहुत लाइक वर्ड्स याद कर सकते हो एंड उनका बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो इवन टूडे लाइक उनका जो अभी भी अगर हम देखें सो उनकी जो टीचिंग्स है वो कंटिन्यूसली इंस्पायर करती है मिलियंस ऑफ पीपल को एंड अराउंड द पीपल जो कि वो चाहते हैं कि उनको जो विजडम मिल सके ऑफ इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो ये जो लोग हैं मतलब जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है लाइक पर्टिकुलरली किसी चीज़ को प्रीच करना, मतलब किसी एक पर्सन को प्रीच करना, तो देर मैनी पीपल जो अभी भी जो स्वामी विवेकानंद को जो प्रीच करते हैं और उनको अपना आइडल मानते हैं एंड दैट इज इट फॉर दिस टेक्स्ट। नाउ Now we are moving to the next text, that is unit number 4 and we have completed till unit 3 and we have unit 4 now, that is Swaraj and Gandhi. So Swaraj Gandhi के बारे में मुझे नहीं लगता अगर आप एक पॉल साइंस या हिस्ट्री के बच्चे हो सबको उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा।
तो इसलिए पेपर में एक चीज याद रखना, स्वराज और गांधी वगैरह के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपने 12th के नोट्स या फिर 11th का, क्योंकि अभी आपने कवर ही करी है दोनों चीजें, तो अगर आपको कुछ भी याद हो गांधी जी के बारे में तो आप वो भी चीजें लिख सकते हो। एंड डेट मीन्स कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप 11th और 12th को जो है एक बार थोड़ा सा डिस्कवर करके रखो। नाउ वी हैव इज यूनिट 4, दैट इज स्वराज गांधी। सो इसमें हमारे पास टोटल अराउंड 4-5 यूनिट्स, इसके अंदर 4-5 कंटेंट है हमारे पास। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वराज। स्वराज का मीनिंग क्या होता है? स्वराज का मीनिंग होता है एक सेल्फ रूल या फिर सेल्फ गवर्नेंस। इट्स लाइक अ फ्रीडम, या फिर हम चाहते हैं कि हम फ्रीडम भी चाहते हैं और हम स्वराज चाहते हैं कि हम अपने ऊपर जो है खुद रूल करें, तो हमारे ऊपर कोई और जो है वो रूल ना करे, कोई और जो है हमारे ऊपर दबाव ना डाले। देन यू हैव इज, ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट था पॉलिटिकल फिलोसफी का ऑफ महात्मा गांधी, और वो यही चाहती थी कि जो इंडिया में वो स्वराज है। और आपको पता होगा इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स करी, लाइक ये मूवमेंट्स के बारे में तुम पेपर में भी पढ़ा होगा अपने 12th वगैरह में, डेट वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण खेड़ा एंड आई थिंक अहमदाबाद मूवमेंट उन्होंने करी थी, अहमदाबाद में जो मील वाली मूवमेंट उन्होंने करी थी। देन यू हैव इसके सॉल्ट वाली जो उन्होंने मूवमेंट करी थी, दांडी मार्च उन्होंने किया था। सो आप इन सब के बारे में भी लिख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक तो पता होना चाहिए, दैट वॉज गो बैक साइमन, वो वाला जो एक वो था पूरा सीन था वो आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। देन यू शुड नो अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड जो वो तीन मतलब वो थी मूवमेंट्स हुई थी लाइक चंपारण खेड़ा एंड अहमदाबाद की, वो आपको एक अच्छे से पता होनी चाहिए। देन यू हैव इसके गांधी का विजन जो था वो सिर्फ स्वराज नहीं था, वॉज नॉट लिमिटेड टू इंडियन पॉलिटिकल, लाइक उनको भी ये नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिले, बट वो चाहते थे कि सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सेल्फ रिलाइजेस सेल्फ सफिशियंसी जो है इंडिया को मिले। वो बिलीव करते थे डेट जो इंडिया है उसको जो है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनीजम एंड बट ऑल्सो फ्रॉम लाइक उनको ये वो ये चाहते थे कि वो जो है वो ब्रिटिश कॉलोनीजम से फ्री हो फ्रॉम इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ फॉरन पावर्स, क्यों मतलब वो फॉरन पावर्स से जो बिल्कुल फ्री हो जाए। और इन ऑर्डर टू अचीव स्वराज गांधी जी ने बहुत सारे मेजर्स किए थे, एंड अब ये मेजर्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो गांधी जी बिलीव करते थे कि जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अचीविंग द पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। एंड वो ये भी बिलीव करते थे जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट है वॉज अ वे ऑफ एजर्टिंग वंस ओन राइट विदाउट इन्फ्रिगेटिंग ऑन द राइट्स ऑफ अदर, कि उनको पता था कि अगर हम नॉन वायलेंट मतलब करते हैं दैट मीन्स कि हम जो है अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें और दूसरे के राइट्स को जो है वो खराब भी नहीं कर रहे। नेक्स्ट यू हैव अ सेल्फ रिलायंस। सो गांधी जी बिलीव करते थे कि इंडिया जो है वो इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंसी एंड शुड नॉट रिलाई ऑन फॉरन पावर्स फॉर इट्स इकोनॉमिक वेलबींग। तो वो चाहते थे कि इंडिया को जो सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमी के लिए ही लाइक वो सब तरफ से फ्री हो जाए, पर इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो एट द एंड जो थे इंडियंस वर लिंक विद द फॉरनर्स, क्योंकि उनके पास खादी पहनने के इतने पैसे नहीं थे या फिर बहुत सारी चीजें खरीदने के इंडियन खरीदने के वो पैसे नहीं थे, सो दे जनरली गो फॉर द फॉरेन वंस एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो इसलिए वो चाहते थे गांधी जी कि पहले हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को बंद करें एंड ताकि हम तभी जो है इंडिया में एक स्वराज की जो नीति है वो हम ला सकते हैं। देन वी हैव स्वदेशी। तो गांधी जी का इन्हें बहुत ज्यादा प्रमोट किया था इंडिया मेड गुड्स को, कि वो चाहते थे कि इंडिया के जो गुड्स है उन्हीं को लाइक फॉरेन में भेजा जाए और उन्हीं को जो इंडिया में यूज किया जाए एंड जो फॉरेन मेड गुड्स है उनको जो है वो हटा दिया जाए, लाइक उस टाइम पे हटा दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया जो गुड्स थे वो फॉरेन में तो बहुत ही कम भेजे जाते थे, इट्स लाइक कि रॉ मटेरियल भेज दिया जाता था बट फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कम भेजते थे। देन यू हैव इज एजुकेशन। तो गांधी जी बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और उसके प्रोग्रेस के लिए फॉर द नेशन, एंड वो ये भी बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को रूट करती है एंड प्रमोट करती है सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी को, लाइक इक्वालिटी वगैरह आती है उससे। देन यू हैव इज विलेज। सो विलेज बेस्ड इकोनॉमी। सो इंडिया की इकोनॉमी वॉज अ विलेज बेस्ड, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि मेन था इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इन विलेज ओनली, और वो विलेज का ही मतलब लाइक नॉर्मल खेती वगैरह ही करते हैं। सो गांधी जी बिलीव करते थे कि जो की है लाइक अचीव कर सकते हैं स्वराज वॉज द डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड विलेज बेस्ड इकोनॉमी, एंड वो ये भी बिलीव करते थे डेट जो विलेज है वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डेट इकोनॉमिक एंड सोशल जो डेवलपमेंट है ये इसको फोकस करना चाहिए एट विलेज लेवल। सो अब हम बात करें ओवरऑल गांधी और उनके स्वराज के बारे में, कि गांधी और उनका स्वराज से क्या लिंक था, क्या उनके लाइक रिलेशन थे विद द स्वराज। सो नाउ वी आर मूविंग टू डेट ओनली एंड विद दिस वी आर एंडिंग विद द समरी। सो गांधी जी का विजन अगर हम देखें स्वराज के लिए तो वो एक होलिस्टिक वन था जो कि एनकम्पस करता, लाइक वो इनकॉर्पोरेट करता था पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेल्फ रूल, और वो बिलीव करते थे कि जो इंडिया जो है वो मतलब इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर सकता है थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स एंड थ्रू अ कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज। सो विद दिस आई थिंक यस
विद दिस वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5. एंड आई थिंक आपके इस पेपर में जो है वो टोटल 3 यूनिट्स और बचे, यूनिट 5, 6 एंड 7. सो आई विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, और वो वीडियो भी जो है मैं आपको मुश्किल से आधे घंटे में जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. एंड अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना, अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो वो भी आपको कमेंट्स में बता देना. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.